अस्सलाम वालेकुम चैनल बिस्मिल्लाह रसोई में आज हम बनाएंगे चिकन बोटी बर्गर। जितना टेम्पटिंग इसका नाम है उतनी इजी और मज़ेदार इसकी रेसिपी है। तो चलिए जल्दी से चलते हैं रेसिपी की तरफ। चिकन बोटी बर्गर बनाने के लिए हमें चाहिए 200 ग्राम चिकन। इसको हमने अच्छे से वॉश कर लिया है और इस तरह पतले पतले पीसेस में इसको कट कर लिया है। 1 टीस्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट, 1 टीस्पून सोया सॉस, 1 टीस्पून रेड चिली सॉस, 1/4 टीस्पून गरम मसाला, 1/4 टीस्पून लाल मिर्च, 1/4 टीस्पून काली मिर्च पाउडर और 1/2 लेमन जूस। 4 बर्गर बन, 1 प्याज, 1 टमाटर, 2 अंडे और 4 चीज़ स्लाइस, टोमेटो केचप और नमक। पहले हम करेंगे चिकन को मैरिनेट और उसमें ऐड करेंगे अदरक लहसुन का पेस्ट, गरम मसाला, सोया सॉस, लाल मिर्च, काली मिर्च, रेड चिली सॉस और ऐड करेंगे इसमें टेस्ट के हिसाब से नमक और लेमन जूस। अब हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। चिकन हमारा अच्छे से मिक्स हो गया है। अब हम इसको फ्रिज में रख देंगे आधे घंटे के लिए। आधा घंटा गुजर गया है। हम लेंगे एक पैन, गैस को करेंगे ऑन और उसमें ऐड कर देंगे चिकन और हम इसमें ऐड कर देंगे आधा कप पानी। अब हम चिकन को गलने तक पकाएंगे और इसको कर देंगे कवर। इसमें हमें लग जाएंगे 10 मिनट। 10 मिनट गुजर चुके हैं और हमारा चिकन कुछ इस तरह का लग रहा है। अब हम इसमें ऐड कर देंगे 1 चम्मच देसी घी और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे और ये हमारा चिकन बनकर तैयार है। चिकन को रख देंगे हम एक साइड और बन को घी लगाकर सेक लेंगे। इतने हमारे बन सिक रहे हैं, हम बना लेते हैं ऑमलेट। अब इसमें ऐड कर देंगे थोड़ी सी काली मिर्च और नमक। बन हमारे रेडी है, अब हम बनाएंगे ऑमलेट। ये हमने एक ऑमलेट के 4 पीस बना लिए हैं। चलिए बर्गर को असेंबल कर लेते हैं। पहले हम लगाएंगे सॉस। अब हम रखेंगे ऑमलेट। और इसके ऊपर रखेंगे चिकन बोटी। अब हम इसके ऊपर रख देंगे चीज स्लाइस। और इसके ऊपर अब हम रखेंगे प्याज, टमाटर। इसके ऊपर रख देंगे बन। ये रहा बर्गर का फाइनल लुक। आप इस पॉइंट पर बर्गर को माइक्रोवेव में 30 सेकंड के लिए रख सकते हैं, चीज अच्छे से मेल्ट हो जाएगा। ये हमने बर्गर को माइक्रोवेव में रख दिया था। ये देखें आप, चीज भी अच्छे से मेल्ट हो गई है। अब आपने वीडियो देख ली है, वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। अब आप किचन में जाएं और ट्राई करें और लाजमी हमारे साथ फीडबैक शेयर करें।
हमें आपके फीडबैक का इंतजार रहेगा। अब हम आपको मिलेंगे अपनी अगली वीडियो में एक नई और इजी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।